सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें आपको चॉइस में टू वर्ड्स दिए गए हैं उसमें में से कोई एक करेक्ट है उसको सर्कल करना है अब देखिए क्या है वन डे गीता वेंट गो टू द फॉरेस्ट सो पास्ट टेंस में स्टोरी चलती है, है ना जब भी हम किसी स्टोरी की बात करते हैं तो हमेशा वो पास्ट टेंस में होती है पास्ट टेंस मतलब जो बीत चुका है है ना तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे वेंट मतलब एक दिन गीता फॉरेस्ट गई थी राइट वन डे गीता वेंट टू द फॉरेस्ट शी सी एन ओल्ड शुमेन सो सॉ सौ मीन्स क्या होगा देखा था उसने एक ओल्ड वुमेन को देखा था द ओल्ड वुमेन इज वॉज ट्राइंग टू लिफ्ट अ हैवी बैग सो यहाँ पर वॉज होगा क्यों क्योंकि वॉज का मतलब होगा था ओल्ड द ओल्ड वुमेन वॉज टाइम टू लिफ्ट अ हैवी बैग मतलब ओल्ड वुमेन जो हैवी बैग था उसको उठाने उठाने का प्रयास कर रही थी गीता हेल्प हेल्प द ओल्ड वुमेन तो गीता ने वोल्ड वुमेन की हेल्प की थी राइट द ओल्ड वुमेन टेक टुक आउट अ सिल्वर ट्रे वोल्ड वुमेन ने एक सिल्वर ट्रे निकाला राइट गीता थैंक्ड थैंक द ओल्ड वुमेन एंड रन रैन होम सो गीता थैंक द ओल्ड वुमेन एंड रैन होम गीता ने वोल्ड वुमेन को थैंक यू बोल दिया और वो घर चली गई ओके आई होप आपको समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज वन नाउ कम ऑन एक्सरसाइज टू दीज आर द क्वेश्चन वी विल राइट आंसर्स प्लीज रीड योर क्वेश्चन केयरफुली So now you can see answer A is Geeta went into the forest to look for some wild fruits. Answer B is the old woman gave a silver tray to Geeta. Answer C is mother did not remember the right words to stop the magic tray. Now, last answer, answer D is Geeta said stop, silver tray, stop to stop the magic tray. Okay. नाउ कम और नेक्स्ट एक्सरसाइज फाइंड वर्ड्स फ्राम द स्टोरी विच एंड विथ देखिए अब आपको स्टोरी में से कुछ वर्ड्स फाइंड आउट करने जो ई डी से जिनका एंड हो और लास्ट में आई एन जी है सो आई हैव रिटन हेअर सम वर्ड्स यू कैन पॉज द व्यू जो एंड राइट इट डाउन हेल्प्ड थैंक्ड लुक्ड आस्ड ट्राॅइंग एनी थिंग कुकिंग फ्लोइंग

Woman. Gita saw a very old woman. Village. A small girl lived in a village. Tray Gita has a magic tray. Visitor. The visitor called to the mother. Carefully. The old woman looked carefully to Gita. Now come on. Next exercise. Exercise 5. फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी अब आपको क्या करना है इनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं राइट right? देखिए ड्रॉप का क्या होगा पिक लेस मोर रिच पुअर लाइट डार्क स्टार्ट स्टॉप ड्रॉप का मतलब तो आपको पता ही होगा छोड़ देना पिक मतलब उठा लेना है ना ड्रॉप मतलब गिरा देना लेस मतलब कम और मोर मतलब ज़्यादा रिच मतलब अमीर पुअर मतलब गरीब लाइट मतलब रोशनी डार्क मतलब अंधेरा स्टार्ट मतलब शुरू करना स्टॉप मतलब रोक देना ओके आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड सो थैंक यू सो मच बाय बाय